वेलकम बैक टू माय चैनल दिस ज मी योर का वेलकम बैक टू एक्साइटेड वीडियोस आई होप यू आर डूइंग ग्रेट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल सो आज मैं आप लोगों के साथ ये हॉट ग्लैमर लुक शेयर करूंगी जो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली और सो mm, <laughs> so आप अपने पार्टनर के साथ अगर आप डेट पे जा रहे हो तो आप इस तरह का लुक अचीव कर सकते हैं डेफिनेटली आपका पार्टनर ना आपको ही सिर्फ देखेगा क्योंकि इतना हॉट लुक अगर कोई अचीव करेगा कोई किसी और को कैसे देख सकता है सही बोल रही हो ना तो यार यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में जाने से पहले अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और छोटू सा बेल बटन है उसे भी जरूर हिट करिएगा मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और ये रहा मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो गो एंड चेक इट आउट और जो भी प्रोडक्ट यूज उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन so yeah, so, को मॉइस्चराइज करेंगे तो मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है कोकोनट मॉइस्चराइजर गुड वाइफ्स का बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल रेंज में है और सारे स्किन टाइप्स के लिए है. उसके बाद मैं यहाँ पे एन वाई बे का लिप बाम यूज़ करूँगी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और थोड़ा सा पेपरमेंट काइंड ऑफ है उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए फ़िटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फिटमी का कंसीलर में मुझे सबसे अच्छा जो लगा इसका ब्लेंड बहुत अच्छे से और बहुत स्मूदली होगा लाइक अ बटर उसके बाद मैं अपने ब्राउज़ को फिल कर लूँगी जस्ट बिकॉज मुझे आज थोड़ा सा बोल्ड लुक देना है इसलिए मैंने थोड़ा आईब्रो को भी थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्चर दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख कर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको आईब्रो फिल करना है आपको ब्राउन और ब्लैक मिला करना है जिससे थोड़ा नेचुरल लगता है उसके बाद आइज पे आएंगे मैंने यहाँ पे एन वाई बे का मिनी आई पैलेट यूज किया है जो अभी भी नया लॉन्च हुआ है उसमें से मैं ये ब्राउन शेड को पिक करूंगी और अपने क्रीज को ब्लेंड करूँगी क्रीज में मैं आउटर वी से इनर वी और इनर वी से, से आउटर वी की तरफ मैं धीरे धीरे ब्लेंड करती रहूँगी और इसे अच्छे से एक ब्लेंड करके एक स्मोकी लुक प्रोवाइड करूँगी ज़्यादा टाइम नहीं लगता बस देखने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद मैं नीचे क्रीज के थोड़ा थोड़ा नीचे मैं ब्लू कलर का लाइट ब्लू शेड मैं पिक करूँगी और उसे ब्लेंड करती रहूँगी और थोड़ा सा देखूँगी कि स्मोकी लुक आए और काफ़ी प्यारा लगे देखने में तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करते रहूँगी सेम प्रोसेस में क्रिस से आउटर वी की तरफ जाऊँगी आउटर वी से क्रीज की तरफ आऊँगी उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ, आउटर वी पे ब्लैक कलर लगाऊंगी और फिर इनर कॉर्नर के पास मैं ब्लैक शेड लगाऊंगी और मिडल में इसे खाली छोड़ दूंगी और मैं अच्छे से इसे ब्लेंड करूंगी उसके बाद मिड मिडिल में जो खाली छोड़ा था उसमें मैं गोल्डन शेड अप्लाई करूंगी और आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी बहुत प्यारा सा लुक अचीव हुआ है मैंने इस तरह का लुक पहली बार ट्राई किया है तो आई होप आप लोगों को पसंद आए उसके बाद मैं एक विंग आईलाइनर लाइनर ड्रॉ करूँगी क्योंकि इस लुक के साथ एक विंग आईलाइनर ना हो तो अच्छा ही नहीं लगेगा तो आप लोग जब भी बोल्ड लुक कैरी करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा आईलाइनर पे ध्यान ज़्यादा देना है तो मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर भी निकाल लूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे काजल के लिए एन बे का ब्लू काजल यूज़ कर रही हूँ मैं इस वक्त एन वाई बे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उनके अफोर्डेबल प्राइस इतने अच्छे होते हैं आप लोग हर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद मैं फिर लोअर लैश लाइन पे ब्राउन शेड लगा लूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फिर लैशेस को कर्ल कर लूँगी मैंने यहाँ पर आई के लिए लैक्मी का आई यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे मैंने फेक आई यूज़ नहीं करती जस्ट बिकॉज़ मेरे आई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसीलिए तो या मैं यहाँ पे अपना ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन अप्लाई करूंगी इस फाउंडेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये फाउंडेशन सी थ्री फाउंडेशन है मैं इसका शेड नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी बट ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है इसका ब्लेंड होने का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है क्योंकि तो मैंने यहाँ पे हिलारी रोडा का पैलेट यूज़ किया है और अपने फेस को थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा बोल्ड एंड लुक है तो बोल्ड लुक में आपको थोड़ा सा नेगेटिव टाइम काइंड ऑफ लुक कैरी करना पड़ता है और फिर अपने नोज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी जिससे वो थोड़ा सा शार्प और क्लियर दिखे काफ़ी प्यारा लग रहा है ये टेक्सचर उसके बाद मैं एन वाई बे का शिमर पीछी काइंड ऑफ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ ये ब्लशर ओ oh माई गुडनेस काफ़ी ज़्यादा प्यारा है ट्रस्ट में आप लोगों को ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एन वाई बे से और मैं यहाँ पे एन वाई का हाइलाइटर यूज़ करूँगी ये मिनी आई शेडो है आप एज़ अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत हाइलाइटर है आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा शेड है और ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में है आपको अगर सत्तर अस्सी या पचास के आसपास कोई अच्छा आई मिलता है तो क्यों ना बाई किया जाए सो so, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक के लिए एन वाई बे का मक्स एंड हक्स लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ये काइंड ऑफ न्यूट शेड है जो बहुत ज़्यादा प्यारा है बेसिकली मैं आपको एन वाई बे के लिपस्टिक शेड भी दिखा चुकी हूँ अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी तो आप लोग डेफिनेटली एक बार देखिएगा सो so, या ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक है सो दैट्स अ माई फाइनल लुक आपको आज का मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं आप लोगों के साथ जल्दी मिलती हूँ तब तक के लिए स्टेट यून एंड स्टेपलेस बाय बाय